हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मिन्सम इंटरनेशनल स्कूल क्लास का चैप्टर सेकंड हम कर रहे थे देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने रिड्यूसिंग uh, देखिए ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है इनको हमें सिंपलर फॉर्म में लेके आना है ठीक है तो कैसे करेंगे हम देखिए इसको समझिए आ, यहां लिखा हुआ है सिक्स एक्स प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन सिक्स अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए सबसे पहले लेफ्ट साइड में इसका हम एलसीएम लेते हैं ठीक है एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा थ्री यहां बनेगा सिक्स एक्स प्लस वन प्लस ये हो जाएगा थ्री इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन सिक्स ऊपर वाले को मैं लिखता हूं ये बन जाएगा सिक्स एक्स प्लस फोर अपॉन थ्री ये बनेगा एक्स माइनस थ्री अपॉन सिक्स ये जो थ्री है ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा या मैं इस थ्री से सीधा इस सिक्स को भी काट सकता हूं चाहे तो इस थ्री को आप पहले ऊपर ले जाइए फिर काट दीजिए या डायरेक्ट यहां से भी आप इसको ऐसे काट सकते हैं ठीक है अब क्या करेंगे यहां बन गया वन यहां बन गया टू इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा देखिए ये बनेगा टू इंटू ये टू इंटू सिक्स एक्स प्लस फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा वन इंटू एक्स माइनस थ्री इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा टू इससे मल्टीप्लाई होगा ट्वेल्व एक्स प्लस एट इक्वल टू एक्स माइनस थ्री ये सारा इधर ले आइए एक्स वाली चीज इधर ले आइए ये बनेगा ट्वेल्व एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस थ्री माइनस एट ये हो गया इलेवन एक्स इक्वल टू माइनस इलेवन इलेवन से इलेवन उड़ाएंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस वन ये लीजिए हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू माइनस वन तो ये सिंपल हमें पहले एलसीएम लेना है फिर जो कट रहा वो काट दीजिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है देन x वाले एक तरफ बिना x वाले एक तरफ लाके फाइनली हम आंसर तक पहुंच जाएंगे इसको कहते हैं रिड्यूसिंग इक्वेशन इन सिंपलर फॉर्म क्लियर चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम इस पे देखिए ये इक्वेशन है हमारे सामने इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए पहले जैसा क्वेश्चन है मैं वैसा ही लिख रहा हूं यहाँ लिखा है फाइव एक्स माइनस टू अंदर है टू एक्स माइनस सेवन यहाँ है टू इंटू थ्री एक्स माइनस वन प्लस सेवन अपॉन टू देखिए कैसे सॉल्व करेंगे पहले काम है हमारा कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करें ठीक है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा हमारे लिए इजी रहेगा तो मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देता हूँ देखिए ये फाइव है ये टू से टू मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का फोर एक्स को सेवन से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस सेवन टू जा फोर्टीन यहां तक ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्वल टू यहां मैंने एलसीएम ले लिया पहले मैंने नीचे लिखा टू तो ये टू इंटू टू हो जाएगा फोर इंटू थ्री एक्स माइनस वन और ये सेवन का सेवन आ गया इस तरीके से मैंने लिखा अब मैं इस टू को क्या करूंगा मैं इस तरफ भेज दूंगा पूरे को पूरे को तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ये फाइव माइनस फोर एक्स आ गया एक्स प्लस फोर्टीन और ये जो टू है ये भी मैंने इधर भेजा तो यहां आ गया ठीक है इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो ट्वेल्व एक्स माइनस फोर प्लस सेवन यहां तक ठीक है मैंने क्या किया पहले इसको लिखा फाइव एक्स में से फोर एक्स गया एक्स ये 14। फिर ब्रैकेट लगाया ये जो टू इधर आएगा ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा क्लियर और इधर वाला सॉल्व किया तो ये आ गया अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं ये बना टू एक्स प्लस ट्वेंटी एट इक्वल टू ये बन गया ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री अब ये टू एक्स छोटा है हम उधर भेज देंगे तो ये बनेगा 12x माइनस 2x ये 3 इधर आ जाएगा तो 28 माइनस 3 अब क्या बना ये इधर तो बन गया 10x और इधर बन गया 28 में से 3 गया तो 25 अब ये इधर है इधर है इनको हम वापस घुमा सकते हैं अपनी जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं 10x इक्वल तू 25 इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल तू फाइव अपॉन टेन काटा पीटी करेंगे फाइव से उड़ाएंगे तो ये आ जाएगा फाइव अपॉन टू ये लीजिए हमारा आंसर एक्स इक्वल टू कितना आ गया फाइव अपॉन टू तो घबराने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा लग सकता है आप स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे करते चलेंगे तो आप फाइनली आंसर तक पहुंच जाएंगे ठीक है बिल्कुल भी नहीं घबराना ऐसे नहीं देखना कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे होगा मुझसे आप स्टार्ट कीजिए जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आपको आगे अपने आप समझने आने लग जाएगा कि आगे क्या क्या कर सकते हैं बस चलते जाइए रुकना नहीं है ये नहीं कि क्वेश्चन देख के पहले रुक गए इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा आप स्टेप बाय स्टेप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए फिर इधर एलसीएम लीजिए कोई नीचे चीज है उसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर सॉल्व करते जाइए करते जाइए फाइनली आप आंसर तक पहुंचेंगे ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं <coughs> so, अब एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन अब ये क्वेश्चन देखिए कैसा है मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां लिखा है एक्स अपॉन टू माइनस वन अपॉइन फाइव इक्वल टू एक्स अपॉन थ्री प्लस वन फोर ऐसे क्वेश्चन में जब दो टुकड़े इधर हैं दो टुकड़े इधर हैं हमारे को एक ही चीज माइंड में रखनी है x वाले एक तरफ बिना x वाले एक तरफ देखिए यहां यहां x है, यहां x है है इनको एक तरफ ले लीजिए तो क्या होगा x 2, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपॉइंट थ्री ये वन बाय फोर यहाँ पड़ा ये वन बाय फाइव उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा सिंपल सा काम किया मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया इसको इधर ले आया और इसको इधर ले गया इतना सा काम किया मैंने अब सेकंड स्टेप हमें क्या करना है अब हमें दिख रहा है कि सीधा सीधा कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा टू और थ्री का एलसीएम क्या हो जाएगा सिक्स ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा जाएगा ये माइनस का टू एक्स इधर हम एलसीएम लेंगे 5, 4, 4 का हो गया ट्वेंटी ये हो गया फाइव ये हो गया फोर ये लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा एक्स अपॉन सिक्स इक्वल टू नाइन अपॉन ट्वेंटी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या बन जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ट्वेंटी एक्स इक्वल टू 9 into 6. तो तो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 into 6 upon 20. पीटी कर देते हैं, देखिए ये 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 जाएगा 3 से, ये जाएगा 10 से, से, तो लीजिए आपका आंसर हो गया तो बहुत ही सिंपल था एक्स वाले एक तरफ बिना एक्स वाले एक तरफ देन एलसीएम लिया एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया ये बन गया फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये ट्वेंटी उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा ये चीज बताई थी जो चीज मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जो चीज इधर माइनस है उधर प्लस जो इधर प्लस है इधर माइनस इतना सा कंसेप्ट हमारा था चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम अच्छा सा देखिए ये इक्वेशन है दिखने में बड़ी टफ लग रही होगी आपको ये एन अपॉइन टू है पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं देखिए क्या लिखा हुआ है एन अपॉइन टू माइनस थ्री एन अपॉन फोर प्लस फाइव एन अपॉन सिक्स इक्वल टू ट्वेंटी वन अब देखिए इसमें एन वाले सारे एक तरफ हैं बिना एन वाले सारे एक तरफ हैं कोई दिक्कत ही नहीं अपने को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है अब पहले तो एक तरफ करना होता है सेकंड स्टेप हमारा एलसीएम लेना होता है हम सीधा एलसीएम लेंगे जल्दी से बताओ टू फोर और सिक्स का एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम निकालना सिखाया था आपको कैसे निकालेंगे ये लिखा टू ये लिखा फोर ये लिखा सिक्स ऐसे कीजिए टू से डिवाइड मारीजिए वन ये टू टाइम्स ये थ्री टाइम्स फिर टू से डिवाइड मारा वन वन थ्री फिर थ्री से डिवाइड मारा वन 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 अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो टू इंटू टू फोर थ्री जो ट्वेल्व ट्वेल्व हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पे मैं क्या करूंगा सीधा एलसीएम लूंगा ये लीजिए मैंने लिया ट्वेल्व अब टू को ट्वेल्व से डिवाइड ट्वेल्व को टू से डिवाइड कीजिए कितना आया सिक्स तो अब इसको मल्टीप्लाई करना ये बन गया सिक्स एन फोर को किया डिवाइड तो थ्री ऊपर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री थ्री जो नाइन एन सिक्स को किया तो टू तो प्लस का कितना आ गया टेन एन इक्वल टू क्या है ट्वेंटी वन अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लीजिए टेन प्लस सिक्सटीन में से नाइन जाएगा तो कितना बचेगा सेवन नीचे आ गया ट्वेल्व इधर है ट्वेंटी वन तो एन क्या हो जाएगा ये ट्वेंटी वन तो पड़ा ये ट्वेल्व ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सेवन मल्टीप्लाई में जो डिवाइड में आ जाएगा सेवन से उड़ा दो इसको थ्री टाइम्स तो एन इक्वल टू कितना हो गया ट्वेल्व थर्टी सिक्स ये लीजिए हमारा क्या हो गया आंसर हो गया सिंपल है कोई टफ नहीं है क्वेश्चन बहुत इजी है बस दो ही स्टेप आपको ध्यान रखने हैं तीन स्टेप में टोटल आपका काम होगा देखिए पहला स्टेप एक्स वाले या एन वाले एक तरफ बिना उसके वाले एक तरफ सेकंड स्टेप एलसीएम लेना और थर्ड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करना तीन ही स्टेप हमारे चलेंगे देखो पहले पहले सबको अलग अलग कर लीजिए फिर एलसीएम ले लीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ये तीन स्टेप में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि एक तरफ एक तरफ फिर एलसीएम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ये तीन ही स्टेप होते हैं किसी भी इक्वेशन को हमारे लिए सॉल्व करने के लिए क्लियर तो ऐसे ही चलना है, पहले ये काम करना है फिर ये काम करना है फिर ये काम करना है चले आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब देखिए ऐसा क्वेश्चन है मैं लिखता हूं पहले क्वेश्चन आपके लिए यहां लिखा है एक्स प्लस सेवन माइनस एट एक्स अपॉन थ्री इक्वल टू सेवनटीन अपॉन सिक्स माइनस फाइव एक्स अपॉन टू पहला स्टेप क्या बताया था एक्स वाले एक तरफ बिना एक्स वाले एक तरफ तो चलिए एक्स वाले एक तरफ लिखते हैं ये एक्स है ये माइनस एट एक्स अपॉन थ्री है ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में फाइव एक्स अपॉन टू एक्स वाले एक तरफ आगे बिना एक्स वाले एक तरफ रखिए इधर पड़ा है पहले सेवनटीन अपॉन ये प्लस का सेवन उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का सेवन बन जाएगा ठीक है यहां तक सेकंड स्टेप क्या था एलसीएम लेना है चलिए एलसीएम लेते हैं यहां इसके नीचे वन है यहां टू है यहां थ्री है वन टू थ्री का एलसीएम क्या होता है सिक्स तो सीधा लिखिए नीचे सिक्स तो वन को सिक्स टाइम्स ये सिक्स आएगा तो ऊपर वाले को भी किससे सिक्स से मल्टीप्लाई करिए थ्री टू जब सिक्स होगा तो ऊपर वाले को टू से मल्टीप्लाई कीजिए टू का थ्री से सिक्स बनेगा तो ऊपर वाले को भी थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए ये हमारा काम बन गया इधर का इधर एलसीएम क्या आएगा इसके नीचे वन है

तीन इधर है बाईस और तीन पच्चीस ठीक है अपॉन सिक्स ये सेकंड स्टेप तक हम पहुंच गए देखिए पहला स्टेप हमने अलग अलग किया सेकंड स्टेप हमने एलसीएम लिया अब ये इक्वेशन आ गई थर्ड स्टेप क्या कहता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा ये सिक्स फाइव फेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू और ये नेगेटिव भी है क्योंकि वो बड़ा था तो माइनस का ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्स इंटू क्या हो गया सिक्स सिक्स ये ये लीजिए इधर आ गया ये सिक्स उधर चला गया तो हम इस सिक्स से उड़ा देते हैं ये थर्टी एक्स इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी काटा पिटी करेंगे तो फाइव से उड़ाएंगे तो सिक्स टाइम फाइव से उड़ाएंगे फाइव टाइम तो माइनस का फाइव अपॉन सिक्स ये लीजिए आपका क्या हो गया आंसर हो गया बहुत ही धीरे धीरे चलना है स्टेप बाय स्टेप चलना है दोबारा से सीख लीजिए पहला स्टेप एक्स वाले एक तरफ बिना एक्स वाले एक तरफ सेकंड स्टेप दोनों का एलसीएम लीजिए एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए स आ जाएंगे यहाँ आने के बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और फिर फाइनली आप एक्स की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे तीन ही स्टेप है हर इक्वेशन के लिए बार बार बता रहा हूं कोई गलती नहीं होगी तीनों स्टेप बाय स्टेप चलिए याद रखिए मन में कि पहले मुझे एक्स एक तरफ लेना है बिना एक्स एक तरफ फिर मुझे एलसीएम लेना है फिर जो बचेगा उसको फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा बस इतना सा काम करना है क्लियर चलते हैं आगे चलिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने देखिए क्या करेंगे इसको मैंने लिखा एक्स माइनस फाइव अपॉन थ्री इक्वल टू तो एक्स माइनस थ्री अपॉन फाइव अभी ऐसा लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे ये एलसीएम ऑलरेडी लिया हुआ है तो हम क्या करेंगे LCM जब आ जाता है, तो उसके बाद हम cross multiply करेंगे सीधा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या बन जाएगा फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव सॉल्व कीजिए फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव थ्री एक्स माइनस नाइन ये लीजिए ऐसा बन गया अब हम क्या करेंगे इसमें क्या उल्टा चल रहा है देखिए पहले स्टेप टू आया है पहुंच गए अब अब पहुंचे तो वाले वाले एक एक तरफ बिना X एक तरफ बिना करने पड़ेंगे अपने को कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ये बना फाइव एक्स ये थ्री एक्स इधर आ जाएगा तो माइनस का थ्री एक्स इधर माइनस का नाइन पड़ा है ये माइनस का पच्चीस उधर जाएगा तो प्लस का पच्चीस ठीक है तो फाइव एक्स में से थ्री एक्स गया तो टू एक्स 25 में से 9 गया तो 16 तो x की वैल्यू क्या आ गई 16 अपॉन 2 काटा पिटिक कीजिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये लीजिए x की वैल्यू आ गई क्या 8 आ गई तो बहुत ही सिंपल सा काम था इसने पहले ही एलसीएम लेके सेट किया हुआ तो एलसीएम के बाद हमारा स्टेप होता है क्रॉस मल्टीप्लाई वो हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ऐसी इक्वेशन बनी ऐसी जब बन जाती है तो हमें पता है x एक तरफ लेना है बिना x एक तरफ लेना हमने लिया और फिर एक्स की वैल्यू सॉल्व कर ली ये लीजिए हमारा काम हो गया तो मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं आपके ठीक है और यहां पे आपको क्या करना है इस तरीके का एरो साइन बनाते हुए चलेंगे आप ठीक है जब भी इक्वल टू वाली इक्वेशन होती है आप इस तरीके का एरो साइन चलाएंगे साथ में ठीक है क्वेश्चन के बाद आपका ये एरो साइन चलना चाहिए इससे पता चलता है कि हाँ आप स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं देखिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले हम यहाँ लिखा हुआ है थ्री टी माइनस टू अपॉन फोर माइनस टू टी प्लस थ्री अपॉन थ्री इक्वल टू टू अपॉन थ्री माइनस टी देखिये इसको कई तरीके से भी किया जा सकता है पहले हम समझते हैं कि दोनों तरफ आप पहले एलसीएम ले लीजिए पहले हम एलसीएम वाला ही काम करते हैं ठीक है जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे मैंने वन लिख दिया ठीक है तो फोर और थ्री का एलसीएम क्या होगा जल्दी से बताओ फोर और थ्री का एलसीएम हो जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व तो बन गया तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व बनेगा तो इसको भी 3 से, 3 से, 3, 3 से तो चीज समझ में आई आपको ये जो माइनस है ये इस तरीके से माइनस है ठीक है तो ये माइनस का टू टी है थ्री है उसको मैं फोर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस का एटी और माइनस का ट्वेल्व बन गया क्लियर ये माइनस सिर्फ किसके लिए नहीं दोनों लिए है।, है।, है दोनों के लिए माइनस है इसलिए ध्यान रखना ये ये जो माइनस है दोनों के लिए माइनस का काम करेगा ये चीज ध्यान रखना आगे चलते हैं यहां एलसीएम आ गया ये माइनस टी यहां तक ठीक है सिंपल है बिल्कुल अब देखिए नाइन टी में से एक गया तो कितना बचेगा टी माइनस ट्वेल्व और माइनस सिक्स कितना हो जाएगा माइनस एटीन अपॉन ट्वेल्व इधर करते हैं टू माइनस थ्री टी अपॉन थ्री ठीक है यहाँ तक अब हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है लेकिन पहले इसको काट पीट लेते हैं नीचे 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 का निचे, ये 3 से 3 से वन टाइम जाएगा वाले कट सकते हैं आपस में ध्यान रखना आने सामने वाली चीज तो कट के अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा देखो वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी माइनस एटीन बनेगा और फोर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर इन 2 3t बनेगा अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं देखिए ये t 18 है 4 2 8 4 3 12 अब t वाले एक तरफ बिना t वाले एक तरफ ये लीजिए ये 12 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस और ये minus का -18 उधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा तो ये 13t हो गया और ये 26 हो गया तो t की वैल्यू क्या आ गई 26 13 कटा पिट्टी करी तो टी की वैल्यू कितनी आ गई टू आ गई थर्टीन टू या ट्वेंटी करके हम बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं देखिए बिल्कुल भी टफ नहीं है क्वेश्चन बहुत सिंपल है बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है कि पहले क्या किया जाए अभी अगर मैं टी को इधर उधर लेता तो मुश्किल होती इसलिए मैंने पहले क्या किया पहले मैंने सोचा एलसीएम लेके इक्वेशन को थोड़ा छोटा किया जाए तो मैंने पहले एलसीएम लिया तो इक्वेशन छोटी होके मेरी क्या बन गई टी माइनस एटीन अपॉन फोर 2 t upon 1, फिर मैंने इसको cross multiply मारा तो ऐसा हो गया फिर ऐसी equation बनी टी मुझे आपका काम बहुत ही सिंपल है बिल्कुल भी घबराना नहीं है ठीक है चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे सामने पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं क्वेश्चन लिखा है एम माइनस एम माइनस वन अपॉइंट टू इक्वल टू वन माइनस M -2 3. इसको आप ऐसे समझना कि ये ब्रैकेट है यहाँ पे है ना जब ये माइनस अलग से लिखा हुआ होता है इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट है ये आप मन में रखना ठीक है तो चलिए क्या करना जल्दी से बताओ पहला क्या दिमाग में आ रहा है आपके कि पहले एम वाले एक तरफ लें या पहले एलसीएम लें जो भी आप कहेंगे हम दोनों काम से कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इधर भी दो टर्म है इधर भी दो टर्म है यहाँ दोनों एम है वहां एक में एम है एक में एम नहीं है आप चाहो तो पहले एम एक तरफ लेके देन देखियम ले सकते हो आप चाहो तो पहले दोनों तरफ LCM ले लो फिर हम एम एक तरफ ले करना है पहले LCM ले लें थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए चलिए इसके नीचे वन, जिसके नीचे जिसके कुछ नहीं मतलब वन है ऐसे लिख सकते हैं तो वन और टू का एल्सियम क्या हो गया टू वन को टू से मल्टीप्लाई तो ये हो गया टू एम इसको करेंगे तो माइनस एम इसको करेंगे तो प्लस वन ठीक है इधर एल्सियम क्या आ जाएगा थ्री हो जाएगा थ्री माइनस एम माइनस माइनस प्लस का टू अब देखिए टू एम में से एक एम गया तो एम प्लस वन अपॉन टू इधर करते हैं 3 2, 5 m 3. यहां तक हम पहुंच गए अब क्या करोगे आप जल्दी से बताओ जब ऐसी इक्वेशन बन गई तो हमें एक ही चीज दिखती है कि दोनों तरफ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे वाली चीजें खत्म करनी है तो कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा जल्दी से बताओ जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा थ्री का उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू टू का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है थ्री को एम से मल्टीप्लाई किया थ्री एम थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया थ्री टू को फाइव से मल्टीप्लाई किया टेन टू को एम से मल्टीप्लाई किया टू एम ठीक है यहां तक अब ऐसी इक्वेशन दिखने के बाद आपके दिमाग में क्या था क्या करना चाहिए बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप एम एक तरफ बिना एम के एक तरफ कर लीजिए ये लिखा मैंने थ्री एम वो इधर से इधर आएगा तो माइनस का टू इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का टू ये टेन का टेन पड़ा है ये थ्री उधर जाएगा तो लीजिए ये हो गया फाइव एम ये हो गया सेवन एम की वैल्यू क्या आ गई सेवन अपॉन फाइव ये लीजिए आपका आंसर तो बहुत ही सिंपल काम है बस आप ये एरो बनाते चलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है यहां आप लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसी टर्म्स आप लिख देंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा क्वेश्चन ऐसे ये एरो बनाते चलिए थोड़ा और अच्छा लगेगा तो अब ये क्वेश्चन एकदम प्रॉपर आपको लग रहा है ठीक है फुल में से फुल मार्क्स और एरर की कोई गुंजाइश नहीं है आपकी एरर नहीं होनी चाहिए बस साइन का बहुत ध्यान रखना है कि इधर से उधर ले जा रहे हो तो साइन चेंज करना प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा ये भी दोनों से मल्टीप्लाई ये ध्यान रखना ब्रैकेट्स अपनी मर्जी से लगा लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे है ना तो ये कुछ एक चीजें हैं जो स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम आएगी लेकिन जैसे जैसे आप एक पैटर्न बना लेंगे बहुत सारे क्वेश्चन अपने हाथ से कर लेंगे फिर आपको तगड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब आप कोई गलती नहीं करेंगे ठीक है चलते हैं आगे चलिए सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्या लिखा हुआ है देखिए पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं चलिए ऐसा क्वेश्चन है हमारे सामने ठीक है क्या करेंगे सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है देखो ये थ्री मल्टीप्लाई में ये फाइव नीचे तो कुछ है नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम तो है नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या दिक्कत है अपने को चलिए सबसे पहले मैंने थ्री का मल्टीप्लाई किया थ्री का मल्टीप्लाई किया फाइव का मल्टीप्लाई किया फाइव टू जा और फाइव फंजा ये लीजिए यहां पहुंचते आपके दिमाग में क्या रहा है क्या करना चाहिए जल्दी से बताओ क्या टी वाले एक तरफ ले लिए जाए देखिए इधर टेन टी है इधर थ्री टी है तो मैं उस तरफ इसको ले जाऊंगा ताकि मेरा काम थोड़ा सा अच्छा दिखे ये टेन टी है इस थ्री टी को मैं इधर ले गया हमेशा जिधर बड़ा होगा टी उसकी तरफ ही छोटे वाले को भेजना है तो इधर रखते तो वो माइनस में आता हम उधर ले गए तो प्लस में आ गया कोई बात नहीं ये फाइव इधर आएगा तो ये माइनस नाइन ऑलरेडी है माइनस फाइव हो गया ये हो गया 70 और ये हो गया माइनस का 14 इसको उल्टा लिख सकते हैं 70 इक्वल टू माइनस फोर्टीन दोनों अपनी जगह बदल सकते हैं साइन सेम रह जाएंगे तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी इसको सॉल्व करेंगे तो equal to minus 2, ये लीजिए आपका आंसर तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं था बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई गलती के चांसेस ही नहीं है कि आप गलती कर दें स्टेप बाय स्टेप ये दिखते ही मुझे लगा कि हाँ मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं फिर ऐसा दिखा तो मुझे लगा टी एक तरफ ले जाओ टी एक तरफ ले गए हम टी एक तरफ ले जाने के बाद फिर हमारा काम ही खत्म हो गया सीधा सीधा हमें दिखने लग गया अब आगे क्या है बहुत सिंपल क्वेश्चन था आगे चलते हैं चलिए ये क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग सकता है थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं फिफ्टीन बाई माइनस फोर माइनस टू बाई माइनस नाइन प्लस फाइव Y -6 0. ऐसा क्वेश्चन है क्या करेंगे आप तो कुछ नहीं करना है देखो पहले तो सॉल्व दे। होगा ये जो भी बाहर पड़े मल्टीप्लाई करके अंदर भेज दीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टीन वाई फिफ्टीन को माइनस फोर से करेंगे तो सिक्सटीन माइनस टू को वाई से करेंगे तो टू वाई माइनस माइनस प्लस टू को नाइन से करेंगे तो एटीन फाइव को वाई से करेंगे तो प्लस का फाइव वाई फाइव को माइनस सिक्स से करेंगे तो माइनस थर्टी इक्वल टू क्या हो गया जीरो अब वाई वाले एक तरफ लिखिए फिफ्टीन वाई माइनस टू वाई प्लस फाइव वाई ये वाई वाले एक तरफ हो गए बिना वाई वाले उधर भेज रहा हूं मैं माइनस का सिक्सटी उधर जाके प्लस का सिक्सटी प्लस का एटीन उधर जाके माइनस का एटीन माइनस का थर्टी उधर जाके प्लस का थर्टी ठीक है आप इसको सॉल्व करते हैं 15 और 5, 20 में से 2 गया तो 18y 60 और 30, 90, 90 में से 18 गया तो 72। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 72 टू अपॉन एटीन काटा पेटी कर लीजिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये लीजिए आप इसको ऐसे काटा पेटी मार सकते थे कि 9 से उड़ा 6 से उड़ाते हैं 6 थ्री जा, जा थ्री वो जैसे करके हम फोर आंसर ले आएंगे ठीक है तो बहुत सिंपल था दिखने में बड़ा लग रहा था क्वेश्चन कैसे करेंगे तो ब्रैकेट जैसे दिख जाए पहले ब्रैकेट को खत्म करने की कोशिश कीजिए ये आ गया ये आने के बाद आप क्या करेंगे वाई वाले एक तरफ बिना वाई वाले दूसरी तरफ फिर इसको सॉल्व किया तो ये आ गया इसको सोल्व किया तो ये आ गया वाई की वैल्यू लाने तो इस एटीन को उधर भेजेंगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई में या उधर जाके डिवाइड में आ गया काटा पीटी मारी आंसर आ गया तो क्वेश्चन टफ नहीं है बस स्टार्टिंग बस आपको स्टार्ट पता चलना चाहिए कि हमें स्टार्ट कैसे लेना है स्टार्ट आ गया देन आप नहीं रुकेंगे अगर आप स्टार्ट ही नहीं लोगे तो फिर आगे क्वेश्चन हिलेगा नहीं ठीक है सबसे पहला ही काम यह है कि क्वेश्चन को देखिए एक बार सोचिए और अगला स्टेप आपको क्या लेना है वो सोचना है बस एक बार स्टार्ट लिया फिर क्वेश्चन फ्लो में हो जाएगा अपने आप हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन है वापस लिख रहा हूं मैं देखिए इस क्वेश्चन को क्वेश्चन लिखा हुआ है थ्री इन फाइव जेड माइनस सेवन माइनस टू इंटू नाइन जेड माइनस इलेवन इक्वल टू फोर इंटू एट जेड माइनस थर्टीन माइनस सेवनटीन ऐसा क्वेश्चन है तो वही काम यहाँ करना है पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर भेजते हैं सबको थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई किया तो फिफ्टीन जेड थ्री को माइनस सेवन से किया तो ट्वेंटी वन टू को नाइन जेड से किया तो एटीन जेड माइनस टू को माइनस इलेवन से किया तो प्लस का ट्वेंटी टू को एट से किया तो थर्टी टू जेड फोर को थर्टीन से किया तो और यहां तक पहुंच गए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ऐसा दिखते ही हमें पता है हमें क्या करना है जेड वाले एक तरफ बिना जेड वाले एक तरफ ले आओ भैया ये पड़ा है फिफ्टीन जेड ये पड़ा है एटीन जेड ये थर्टी टू इधर आएगा तो माइनस का थर्टी टू जेड उधर भेजते हैं यहां पड़ा हमारा माइनस फिफ्टी टू माइनस सेवेंटीन इधर से ये माइनस ट्वेंटी वन उधर जाएगा तो प्लस का ट्वेंटी वन ये प्लस का ट्वेंटी टू उधर जाएगा तो माइनस का ट्वेंटी सॉल्व करते हैं देखो ये 15 इसमें से उड़ाएंगे तो तीन बचेगा तीन उसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो गया थर्टी फाइव जेड वो भी माइनस का इधर देखते हैं क्या हो रहा है ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू खत्म हो गए तो माइनस का वन बचा ये एटीन हो गया एटीन हमने इसके साथ ऐड कर लिया इसमें ऐड करते हैं तो फिफ्टी टू 70 ये लीजिए माइनस का 70 तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 70 अपॉन माइनस का थर्टी फाइव माइनस से माइनस उड़ा दिया थर्टी फाइव को उड़ाएंगे कितना आ जाएगा 70 को उड़ाएंगे तो टू ये लीजिए आपका आंसर तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था वापिस से देखिए सबसे पहले हमने क्या किया इस इक्वेशन में इस थ्री को इससे मल्टी पहले तो ऐसा कैसा हमने क्वेश्चन लिखा अब ये थ्री दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया ऐसा टू दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया इक्वल टू ये फोर दोनों से मल्टीप्लाई हुआ और सेवनटीन सेवनटीन पड़ा है ऐसा दिखने के बाद हमने क्या किया जेड वाले एक तरफ ले लिए ये पड़ा है ये पड़ा है और ये पड़ा है ठीक है इस तरीके से ले आया देखिए समझिए इस चीज को क्या किया मैंने ये यहाँ पड़ा है ये यहाँ पड़ा है इसको मैं इधर ले आया ये फिफ्टी टू यहाँ पड़ा है सेवनटीन यहाँ पड़ा है इस 21 को मैंने यहां भेजा इस ट्वेंटी को मैंने यहां भेजा साइन चेंज कर दिया उसके बाद सॉल्व किया तो ये 35 बना ये 70 बना दोनों नेगेटिव आप चाहते तो माइनस यहां पे भी काट सकते थे और आप ऐसे लिख के भी काट दीजिए एक ही बात है काट पीट के हम जेड इक्वल टू कहा पहुंच गए जेड इक्वल टू टू पे चले बहुत इजी क्वेश्चन था चले आगे चलिए देखिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अच्छे से करेंगे इसको हम देखिए क्या लिखा हुआ है लिखता है जीरो पॉइंट टू फाइव फोर एफ माइनस थ्री जीरो पॉइंट जीरो फाइव टेन एफ माइनस नाइन अब ये पॉइंट वाली चीजें आ गई है क्या करोगे आप घबराना तो नहीं है देखिए आपको क्या करना है इस पॉइंट को उड़ाइए पॉइंट ट्वेंटी फाइव है तो पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो दो जीरो आगे पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो दो जीरो आ ऐसे लिख सकता हूं तो सही से मैंने लिखा तो ये बन गया ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड फोर एफ माइनस थ्री फाइव अपॉन हंड्रेड टेन एफ माइनस नाइन ऐसा बना मैंने क्या किया मुझे ये दिख इस 100 को मैं इस 100 से काट सकता हूं नीचे है ना दोनों अपॉन में दोनों अपॉन में जब हो मल्टीप्लाई में वो सारी चीजें ऐसे समझिए हंड्रेड इधर जाएगा तो ऊपर आएगा हंड्रेड से हंड्रेड कट जाएगा तो मैंने इनको डायरेक्टली नीचे भी काट सकते हैं एक ही बात होती है चलिए हंड्रेड से हंड्रेड कट गया नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा अब मैं देखूंगा इस ट्वेंटी फाइव को मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो ट्वेंटी फाइव को फोर एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा हंड्रेड एफ ट्वेंटी थ्री से करोगे तो सेवनटी फाइव फाइव को टेन से करोगे तो फिफ्टी एफ फाइव को नाइन से करोगे तो फोर्टी फाइव यहां तक अगर आप पहुंच गए तो बताइए अब आगे आप क्या करेंगे यहां तक पहुंचते ही मुझे दिख रहा है एफ वाले एक तरफ बिना एफ वाले एक तरफ ले जाइए ये बन गया हंड्रेड एफ माइनस फिफ्टी एफ ये हो गया माइनस फोर्टी फाइव माइनस फाइव या प्लस सेवन ठीक है माइनस का उधर जाके प्लस इधर बचेगा एफ तो की वैल्यू क्या हो गई थर्टी अपॉन फिफ्टी जीरो से जीरो कट गया थ्री अपॉन फाइव बोल दीजिए या पॉइंटों में लाना चाहो तो आप इसको पॉइंट में भी बता सकते हो थ्री अपॉन फाइव होता है 0 .6, 0 .6, ऐसा भी कह सकते हो इसमें से किसी को भी या तो इसको आंसर मान लीजिए या इसको आंसर और यहां आप क्या करना है इक्वल टू लगा दीजिए ऐसे थोड़ा अच्छा लगेगा क्वेश्चन है ना तो देखिए दिखने में टफ लग रहा था पॉइंटों में कभी भी चीज हो पॉइंट हटा के नीचे अपॉन में हंड्रेड टेन या जो भी बन रहा है वो बनाइए उसके बाद आप काटा पीटी करके थोड़ा सा एक मल्टीप्लाई कीजिए अंदर ऐसी इक्वेशन बनने के बाद पता है एक तरफ लेना है एक तरफ भेजिए सबको फिर आगे सॉल्व करते जाइए आप आंसर तक पहुंच जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज ज्यादा टफ नहीं है देखिए दस क्वेश्चन हमने किए हैं और बड़े आराम से सॉल्व हो रहे हैं कोई ऐसा हिकॉप नहीं आ रहा है कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अब आगे क्या करेंगे कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका क्वेश्चन होता जाएगा दो तीन ही फंड है पहला फंडा फंड एक तरफ लेने वाला होता है दूसरा फंडा क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला होता है तीसरा फंडा एल्शियम लेने वाला होता है इतनी तीन ही चीजें इसके अंदर चौथी कोई चीज है नहीं तो क्वेश्चन को वापस कीजिए खुद से जब तक आप नहीं करेंगे अभी जैसे वीडियो देखा आपने सारे क्वेश्चन देख लिए कैसे कैसे सॉल्व है अब एक बार इनको खुद से वापिस सॉल्व कीजिए जितने क्वेश्चन हो जाए बढ़िया फिर वीडियो वापस देखिए फिर दोबारा जो बच के उनको सॉल्व कीजिए और फिर एक बार और सॉल्व कीजिए खुद से जब आप तीन बार ये काम कर लेंगे कि सारे सारे क्वेश्चन आपके हाथ से सॉल्व हो रहे हैं उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अलग लेवल का होगा ठीक है चलिए आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में तब तक के लिए बाय बाय